भारतीय फिल्म जगत खूब सारे हसीन एक्ट्रेस और एक्टर से भरा पड़ा है, पर वहीं कैरेक्टर किरदार निभाने वालों को इन सब में अपना अलग सा दबदबा रहा है। एक हद तक देखा जाए तो इन कलाकारों के बिना फिल्म जगत सूना सूना है। आज मैं प्राची शर्मा आई हूँ उस कलाकार की कहानी लेकर जिसे कैरेक्टर किरदारों का बेताज बादशाह कहा जाता है, नजीर हुसैन की कहानी जो अलग अलग पड़ाव से निकलती है। वे जाने माने स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इसी कारण वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में सक्रिय भी थे। फिर आजादी के बाद रोजगार के लिए उन्होंने स्टेज शो शुरू किए, फिर फिल्मों में काम मिलना आरंभ हुआ और एक सफल कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में नजर आने लगे और खूब चमके। वे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। 15 मई 1922 को आज के उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर में जन्मे नजीर हुसैन की परवरिश लखनऊ में हुई। पिताजी शहबजाद खान रेलवे में गार्ड थे। प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद नजीर रेलवे में फायरमैन का काम करने लगे, फिर वे ब्रिटिश आर्मी में भी भर्ती हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी बदली मलेशिया और सिंगापुर हुई थी, जहां उन्हें युद्ध के दौरान कैद कर लिया गया। इसके बाद आजादी के रहल में नजीर शामिल हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में काम करने लगे। आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण भारत सरकार ने उन्हें आजीवन मुफ्त रेलवे पास जारी करवाया। नजीर हुसैन का फिल्मी जीवन आजादी के बाद शुरू होता है, जब रोजगार की खोज में स्टेज शो करने लगे। तब कई फिल्ममेकर्स की निगाहें उनकी तरफ मुड़ने लगी। कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में उनका योगदान देखते हुए प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल रॉय ने उन्हें अपना असिस्टेंट चुन लिया। बिमल रॉय के साथ काम करते हुए नजीर ने बिमल रॉय को नेताजी बोस और उनकी सेना से जुड़ी कुछ कहानियां बताई, जिससे प्रभावित होकर बिमल रॉय ने 1950 में पहला आदमी फिल्म का निर्माण किया, जिसमें खुद नजीर ने पहली बार पर्दे पर एक्टिंग की। इस फिल्म में नजीर ने ना सिर्फ एक्टिंग की बल्कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा। पहला आदमी फिल्म हिट हुई और उनकी गजब एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। अपने जीवन काल में 500 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले नजीर हुसैन ने कैरेक्टर किरदार निभाने वाले कलाकारों में अपना अलग सा दबदबा बनाया। उस जमाने की हर एक सामाजिक फिल्मों में उनका सहभाग होने लगा। परिणीता, दो बीघा जमीन, देवदास, न्यू दिल्ली, नया दौर, मुसाफिर, यहूदी, काला पानी, आखिरी दाव, परख, बम्बई का बाबू, श्रीमान सत्यवादी, गंगा जमुना, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग तारीफदार रही। इसके साथ ही भावनात्मक किरदार के लिए भी वो प्रसिद्ध रहे। अमर अकबर एंथोनी, ज्वेल थीफ, परख, देवदास, नेता, राम और श्याम, कश्मीर की कली जैसी फिल्मों में उनका इमोशनल किरदार भी काफी लोकप्रिय है। नजीर ने ज्यादातर फिल्में देव आनंद के साथ की, पर एक कार्य के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। मुंबई में काम करते हुए वक्त उनकी मुलाकात देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से हुई, क्योंकि राजेंद्र बाबू खुद उत्तर प्रदेश के थे, इसीलिए उन्होंने नजीर से पूछा, क्या आप भोजपुरी भाषा में फिल्में नहीं बनाते? वे प्रभावित हुए और वर्ष 1960 के दशक में उन्होंने देश की पहली भोजपुरी फिल्म बतौर अभिनेता एवं लेखक कार्य किया, जो 16 फरवरी 1962 को पर्दे पर आई तो भोजपुरी जगत में भूचाल सा आ गया। वे
हमेशा अपने गांव से जुड़े थे, इसीलिए उनकी फिल्मों में उसिया गांव के दृश्य हमेशा रहते थे। वे और उनकी पत्नी हिफाजत बीबी को वहां के लोग बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके जन्म दिवस पर आज भी वहां समारोह आयोजित किए जाते हैं। नजीर हुसैन साहब को एक बेटी और एक बेटा है। बेटी हेरुल निशा की शादी दिलदार नगर में हुई है। बेटा मुमताज हुसैन परिवार के साथ मुंबई में रहता है। तो ऐसे थे नजीर हुसैन साहब। 25 जनवरी 1984 को उन्होंने आखिरी सांस ली। ये क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो, अगर तुमने मुझे गैर न समझा होता तो रुपए के लिए जगह जगह भटकने से पहले मुझसे बात न की होती। ऐसी बात नहीं है दोस्त, जिंदगी में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी होती हैं जो बांटी नहीं जाती, जो बोझ मेरे कंधों पर है, इसे मुझे उठाने दो। अरे ये क्या? दरबान, दरबान, शिबू, शिबू, क्या है मालिक? शिबू देख, तू यहां कोई अपना बच्चा छोड़ गया। अच्छा, छी 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 छी, न जाने ऐसी कौन माँ होगी जो अपनी औलाद छोड़। ये बच्चा यहाँ कौन छोड़ गया? अंदर को नहीं आया था? यहाँ कोई नहीं आया तो क्या ये बच्चा आसमान से टपक पड़ा? ये तो सर्दी के मारे कांप रहा है।